दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, घूमने को तो हमारी इस भारत देश में बहुत ही सारी जगह हैं, लेकिन उन सब में सबसे प्यारी जगह लगती है हमें लोनावाला। लोनावाला मानसून के मौसम में घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपके अपने चैनल पोला जर्नी ने स्टार्ट करी है एक सीरीज जिसका नाम है लोनावाला टूर, जिसमें कि इस सीरीज में हम आपको लेकर जाने वाले हैं भूसी डैम। भूसी डैम के बारे में आपको बताने वाले हैं और वहाँ के सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में लास्ट तक। ऐसा कि दोस्तों आप अभी देख सकते हैं कि हम लोनावाला स्टेशन के पास है और यहाँ से हम अपना सफर तय करेंगे भूसी डैम के लिए। तो दोस्तों भूसी डैम पहुंचने के लिए हम लोनावाला स्टेशन से आगे की तरफ जाएंगे, जहां पर हमें शिवाजी चौक मिलेगा, उसे क्रॉस करेंगे और सीधे रास्ते की तरफ चलते चले जाएंगे और फिर हमें एक मोड़ मिलेगा जो कि वहां से आपको भूसी डैम की तरफ रास्ता दिखाया जाएगा और वहां पर बहुत से ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है, क्योंकि हमारे मैप में दिखा रहा है एकदम पूरा रेड जोन है और यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर रास्ता तय करना है और पूरा का पूरा रेड जोन में आ रहा है, हमारे मैप में दिखा रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर कितना समय लगने वाला है। हम अभी भूसी डैम की तरफ जाने वाले रोड पर आ चुके हैं, यही वह रोड है जहाँ से हम कंटिन्यू स्ट्रेट जाते जाएंगे तो हमें भूसी डैम पहुँचाया जाएगा। दोस्तों हम चल रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। तो हम अब क्या करें, भीड़ है तो इन्जॉय करते हुए निकल रहे हैं, भीड़ को हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ आप भी हमारे इस भीड़ को एंजॉय करिए। और जब तक हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो हम आपको यहाँ पर भूसी डैम के बारे में बता देते हैं, जैसे कि इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं, और ध्यान से सुनिए और बने रहिए हमारे इस वीडियो में लास्ट तक। तो मैं जैसे दोस्तों कि आपको बताता हूँ कि 1860 के दशक के अंत में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के लिए उनके भाप इंजनों के लिए पानी देने के रूप में ये बांध बनाया गया था, यह डैम बनाया गया था। और अभी यह डैम जो कि यह बांध है ये टोटली भारतीय रेलवे सेंट्रल जोन के पास है, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के उत्तर अधिकारी हैं। दोस्तों अगर इसी स्पीड से जाएंगे तो हमें नहीं लग रहा हम पहुंचेंगे, तो हम अपने आप को थोड़ा स्पीड फॉरवर्ड करते हैं, और अगर स्पीड फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, तो हम स्पीड फॉरवर्ड करते हैं और आपको जल्दी से जल्दी लेकर चलते हैं भूसी डैम की तरफ। झूम करके दिखा रहा हूँ, आप देखिए कितनी जनता है आगे, कैसे पहाड़ में चढ़ी हुई है। अब हम भी चढ़ेंगे, कोशिश करेंगे चढ़ने की। भूसी डैम चले सीधे, ये देखो ये रहा एक झरना छोटू सा, छोटू छोटू झरने हैं यहाँ पे। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले हमने लोनावाला टूर के कई एपिसोड्स और बनाए हुए हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो ऊपरी तरफ आई बटन में क्लिक करके देखें। और सबसे अच्छा मौसम, सबसे अच्छी जगह, सबसे अच्छा टाइमिंग लोनावाला विजिट करने का तो यही है मानसून के मौसम पर। तो आप यहाँ पर जून एंड से लेके आप ये समझ लीजिए सितंबर तक आराम से विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम रहता है, बहुत ही अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं और यहाँ का जो नेचर का व्यू है वो भी काफ़ी प्यारा लगता है। चलते हैं और अपनी जर्नी सफल बनाते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी जर्नी असफल हो पाएगी। भूसी डैम जाने में हमें करीब बाइक से ही जाने में अभी लगभग हमें 10 मिनट लग चुके हैं, फिर हम नहीं पहुंच पाए, इतना जाम लगा हुआ है। कंटिन्यूसली इतना आउटर साइड से जाके जल्दी पहुंच रहे हैं, फाइनली वी रीच द डेस्टिनेशन और हमने अपनी बाइक पार्क कर दी है, अब आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ से बेबी हमें पैदल चलकर जाना है जो कि नियर अबाउट आधा किलोमीटर पड़ता है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन दिखा दी गई है वे टू भूसी डैम, तो हम यहाँ पर पैदल चलेंगे और पहुँचेंगे भूसी डैम। और रास्ते में बहुत ही ज़्यादा हमें कीचड़ मिलने वाला है और बहुत ही
अच्छी चीज़ है कि हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे, काफ़ी अच्छा ट्रैक करके हमें ऊपर की तरफ जाना है। तो फिर हम बिना किसी चीज़ का इंतज़ार किए हुए हम आगे की तरफ ट्रैक करते हुए चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छे पल। दोस्तों हम अपने पहले पड़ाव के पास पहुंच चुके हैं। सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी बात मेरे लिए यही है कि मैंने शूज़ पहन रखे हैं और मुझे इसे क्रॉस करना है, और मेरे शूज़ भी वाइट और ग्रे हैं, इसकी वजह से सारे के सारे शूज़ गंदे हो जाएंगे। तो अभी क्या करूं, उसी डैम घूमने आया हूं तो मुझे रास्ता क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो बस चलते हैं इस रास्ते को क्रॉस करते हुए। और ये देखिए मेरे जूते वाइट हैं बट पानी अभी थोड़ा गंदा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है आगे बहुत गंदा पानी मिलेगा और मेरे जूते पूरे के पूरे गंदे हो जाएंगे। खैर कोई नहीं, जूते की तरफ ना देखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हुए, और अभी हम आगे और चलना है। और चलते चलते हमें लगाती भूख, तो हम खाते हैं यहाँ पर पकौड़ी और चाय। पकौड़ी चाय लेने के बाद फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। मगर आप कुछ भी कहें, मौसम काफ़ी ठंडा है तो पकौड़ी और चाय मिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिल गई है। तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ और ट्राई करके ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं बुशी डैम के पास में। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ दिख रही है मुझे कि मुझे लग रहा है कि मैं आगे की तरफ नहीं बढ़ पाऊँगा और आगे अपने कदम नहीं रख पाऊँगा। अभी तो यहाँ पर खाली है, थोड़ा और ऊपर की तरफ लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर पैर रखने तक की भी जगह नहीं है। चलिए आप देखिए और बताइएगा मुझे मैं किस तरफ पैर रखूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। अब बताइए मैं किधर जाऊँ। इस भीड़ को देखकर ऐसा लगता है कि भाई अभी तो वापस चले जाना चाहिए क्योंकि आगे थोड़ा मुश्किल है, बट हम वापस नहीं जाएंगे। अब यहाँ तक आए हैं तो थोड़ी और हिम्मत करके हम और आगे की तरफ जाएंगे। और देखिए हमें दोस्त लोग बुला रहे हैं, बस पहुँच रहे हैं वहाँ पर, पहुँचने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन पहुँच नहीं पा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नीचे की तरफ चलना है, लेकिन अब कैसे जाएँ नीचे की तरफ, यहाँ पर इतनी भीड़ हो गई है, इतना रास्ता ब्लॉक हो गया है। बट फिर भी एक कदम आगे बढ़ाते 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 हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और आप भी यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो इस भीड़ का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। एग्जैक्टली मानसून का समय है तो ये बुशी डैम में काफ़ी ज़्यादा पानी आ रहा है, तो सभी लोग सीढ़ियों में बैठे हुए हैं, पानी का आनंद ले रहे हैं और यहाँ पर हरियाली का आनंद ले रहे हैं। उसके साथ साथ में यहाँ पर ढोल और नगाड़े भी बज रहे हैं, जिसके साथ साथ में यहाँ पर पूरी की पूरी जनता झूमती और लहरती रहती है। अभी आपको यहाँ पर दिखाते हैं और कैसे यहाँ पर लोग इंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर हम अलविदा कहते हैं और मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए अपने इस बोला जर्नी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।